हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, परसेंटेज के लेक्चर 2 में हमने देखा था कि कैसे किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। और जिसमें हमने पहले लेक्चर में जो सीखा था कि हमें कोई भी परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में आनी चाहिए, ठीक है, तो उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 में ये सीखेंगे कि कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो होते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इनको सॉल्व कैसे करते हैं और विद स्पीड कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से परसेंटेज के। फिर ये बेसिक लेवल ही धीरे धीरे परसेंटेज के हाई लेवल तक जाता जाएगा, जैसे कि जो बेसिक क्वेश्चन और वही क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। और मोस्टली वही क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं, ठीक है। मेन एम क्या होना चाहिए, मेन होना चाहिए क्वेश्चंस को करने का तरीका। कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग करते करते इन क्वेश्चंस को पहुंच जाएंगे, मतलब कि 2D फिगर्स में भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। जिसने पहले से प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो उनको ये सब पता ही है, जो अभी न्यू करने आते हैं उनके लिए ये सब टाइप से क्वेश्चन पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि उनको पहले बेसिक नॉलेज ये हो जाए कि हाँ ऐसे ऐसे लेवल के और ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो धीरे धीरे कल के मैं आपको पूरी वीडियोस उसकी प्रोवाइड करूँगा जिस टाइप के भी क्वेश्चंस परसेंटेज में पूछे जाते हैं। तो बेसिक से आज स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 30% ऑफ एक्स इज 72, एक्स का 30% 72 है, 72 है, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी। अब इसको जैसे सॉल्व करना है, वैसे कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा समझ में आया और इसको विद इन 30 सेकेंड्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो 30% ऑफ एक्स इज 72, दैट मीन्स इसका मतलब है 30/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 72, यही चीज़ कह रहा है क्वेश्चन से हमें, ठीक है। तो ये तो जीरो कटा, 3 से कटा ये 72 24 टाइम्स, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 240, और ये देखो 240 आंसर आ गया, ठीक। अभी तो ये जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिसको जल्दी नहीं समझ में आता तो वो लिख के भी करते हैं, और कुछ होते हैं जिनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है, अच्छा ये करना है तो वो सीधे ये लिखते भी नहीं है, वो करते हैं 3/10 एक्स इक्वल टू 72, 3 से काटा 72 24 और 24 मल्टीप्लाई 10 हो गया ख़त्म। और मतलब कि 30 सेकंड्स तो छोड़ो, 15 सेकंड्स के अंदर वो इसका आंसर ले आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का। मतलब कि एक तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं आपके किस में काम आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी करने मतलब है आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने लिए सेव कर लेते हो, ठीक। अब जैसे नेक्स्ट है कि P% of P is 36, क्या कह रहा है, P% of P is 36, देन P is equal to, तो यहाँ पे कह रहा है P% of P, P% में मतलब P/100, ऑफ P यानी कि मल्टीप्लाई P, कह रहा है 36 है, तो बताओ P% P की वैल्यू क्या होगी। तो P² = 3600 हो जाएगा, दैट मीन्स रूट आएगा 3600 का, और 3600 का रूट आपको पता ही है, 36 किसका होता है 6 का, और 100 होता है 10 का, तो ये बन जाएगा 60। दैट मीन्स इसका आंसर आ गया P% of P is 36 का आंसर आ गया 60, दैट मीन्स 60% of 60 is 36। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगले में कह रहा है कि 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, ये निकालना है। अब देखो यहाँ पे मैंने कल भी समझाया था, मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ कि कोई भी नंबर का अगर हमें कुछ भी नंबर के अकॉर्डिंग या किसी के रिस्पेक्ट में अगर हमें परसेंटेज में फाइंड करना है तो सबसे पहले जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको 100% मान लो, ठीक है। तो जैसे कि ये क्या है, 100% है अपने में, 1/3 अपने में 100% है, ठीक है। अब ये देखो 2/3 लाना है ना, 2/3 मतलब क्या है, 2 × 1/3 है, ठीक है। तो 2/3 का मतलब है कि इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया देखो 2/3 मतलब कितना हो गया, 200%, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 200% आ गया, ठीक। अब इसको अगर कोई बेसिक लेवल से सॉल्व करता तो वो पूरा इस तरह लिखता
कि 2/3 अपॉन 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 इधर 1 इधर आएगा, 2 × 100 तो 200%। इतना टाइम लेने से अच्छा है जिसका दिमाग ज़्यादा तेज चलेगा तो वो ऐसे कर लेगा, 1/3 100% है, मतलब कि 2/3 इसी का जस्ट दुगना है, तो मतलब कि वो 200% है। दिमाग क्या इन द सेंस, मतलब कि जो जितनी प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चंस की, जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है ना, बस ये चीज़ है और कुछ नहीं है। देखो अब जैसे यहाँ क्या लिखा है कि इफ़ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ठीक, अगर ए का 20% 50 बी के 50% के बराबर है तो ए, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, तो बी ए का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। अब देखो जैसे ये लिखा है 20% ऑफ ए, तो 20% अगर इसको 20/100 करोगे तो भी निकल आएगा जल्दी से, अगर जिसको पता है तो वो सीधे सीधे कहेगा कि मतलब 1/5 ए इक्वल टू है 1/2 बी। ठीक, तो ये ए अपॉन बी आ गया 5/2। ठीक, अगर मतलब कि ये एक तरीके से ए और बी का रेशियो फॉर्म में आ गया कि ए और बी 5:2 हैं। ठीक है, अगर हम इसको जैसे कि ये रेशियो फॉर्म आया, मतलब अगर हम कह लें कि ए 5x है और बी 2x है, ठीक है, या फिर ए को 5 मान लो बी को 2 मान लो, इस तरह भी कर सकते हो। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, तो बी ए का कितना परसेंट है। ठीक है, तो बी 2x है और ए 5 है, तो ये 2/5 मल्टीप्लाई 100 हुआ, x भी लोगों तो वो कट जाएगा, तो 5 से कटे 20 टाइम्स और 22 जा क्या आ गया 40%। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया 40%। अब जैसे किसी को अगर वैसे निकालना होता कि b को हमें निकालना है कि वो a का कितना परसेंट है, तो b की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू 5, तो a जो 5 है वो मतलब पूरा का पूरा अपने आप में 100% हो जाता। ठीक है, तो फिर 2 निकालना है तो 5 यूनिट का ये 100% हो गया, 2 निकालना है तो 1 यूनिट का 100/5 और 2 यूनिट का ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी निकाल लेगा कोई। ठीक, ये वैसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन में चाहे जैसे भी कर लो आप यहाँ तक जल्द से जल्द पहुँच ही जाते हो। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें कह रहा है 20% ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 50% ऑफ पी माइनस क्यू, देन पी इज टू क्यू इज। ठीक है, मतलब कि हमें P और Q का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेशियो से पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि P और Q की वैल्यू क्या आ रही है, अगर P और Q पता चल जाएगा तो रेशियो भी निकल आएगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग चलो, ये जो दिया गया है इसके अनुसार चलते हैं। तो ये आया 20% का मतलब वही 1/5 पी प्लस क्यू ऑफ पी प्लस क्यू इक्वल टू 50% होता है 1/2 ऑफ P माइनस क्यू। ठीक है, तो ये P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू आ गया आपका 5/2। ठीक, अब ये देखो P प्लस क्यू और P माइनस क्यू ये दोनों रेशियो के फॉर्म में आ गए, मतलब P प्लस क्यू की वैल्यू कुछ 5 × समथिंग होगी, 5 × कुछ। ठीक है, और P माइनस क्यू भी वही 5 × 2 कुछ होगी। तो एक तरीके से अगर हम इसको इक्वेशन टाइप में सॉल्व कर लें, अगर हम इसकी वैल्यू को यही कंसीडर कर लें, ठीक है, वैसे होगी कुछ 5x या 2x, तो और फिर ये दो इक्वेशन के टर्म्स में आ गई। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन में जैसे कि p की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो। प्लस करके क्या होगा कि ये q से q देखो कट जाएगा, ठीक है, q से q कट जाएगा, तो ये 2p इक्वल टू आ जाएगा 7, तो p की वैल्यू आ जाएगी 7/2। अब ये p की वैल्यू जो आई है, चाहे यहाँ इस वाले में रख दो चाहे इस वाले में रख दो, तो चलो यहाँ रख देते हैं, तो ये 7/2 p
प्लस क्यू इक्वल टू फाइव, तो क्यू आ जाएगा फाइव माइनस सेवन अपॉन टू, यानी कि टू एल सी एम, तो टेन माइनस सेवन ये आ गया थ्री अपॉन टू, तो क्यू इज इक्वल टू आ गया थ्री बाई टू। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू मिल गई हमको थ्री बाई टू। अब इसके बाद क्या करना है, P और Q का रेशियो निकालना है। मान लो अगर X लेके भी चलते तो X भी इनके साथ आता, तो जब ये रेशियो निकालना तो X को कट जाता, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो P अपॉन Q की वैल्यू आ जाएगी 7 बाई टू अपॉन 3 बाई टू, टू से टू ख़त्म, तो 7 अपॉन 3 यानी कि 7 रेशियो 3 इसका आंसर हो गया। अब ये जो इतना टाइम लगा ना करने में, ये तो हम समझा रहे हैं इसलिए है, वरना जब इसको करना होगा तो हम ये सब करेंगे ही नहीं। ठीक है, ये प्रोसेस हम करेंगे ही नहीं, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, अच्छा ये बना ये बना ये, मतलब कि ये 2p, तो ये q ख़त्म, तो ये 7, मतलब कि 7 अपॉन 2 आ गया, और ये फिर एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 2q, मतलब कि 3, और ये 3 अपॉन 2, डायरेक्ट हो गया आंसर ख़त्म। अब देखो जैसे नेक्स्ट है कि 0.01 का कितना परसेंट है। ठीक है, 0.01 का कितना परसेंट है, मतलब कि 0.1 से कंपेयर करके इसको निकाला जा रहा है। ठीक है, तो 0.01 का कितना परसेंट है, बस इसको सॉल्व करो निकल आएगा, ये जीरो से जीरो ख़त्म, ऊपर पॉइंट के बाद थे दो डिजिट, नीचे पॉइंट के बाद था एक डिजिट, तो पॉइंट हटेगा नीचे एक बढ़ जाएगा, ये ख़त्म, तो 10 आया, दैट मीन्स ये 0.01 का 10% है। ठीक, और इसको अगर कैसे कर सकते हैं कि ये 0.1 अपना पूरा 100% है, अगर दोनों तरफ हम 10 से डिवाइड कर दें तो देखो 10 से डिवाइड करने पे ये 0.01 बन जाएगा और ये 10% बन जाएगा। जल्दी करना है, फास्ट, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक, तो चलो दोस्तों क्वेश्चन का लेवल अब थोड़ा सा उठाते हैं। ठीक है, और एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कह रहा है द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 150। मतलब कि एक स्कूल है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स, लड़के और लड़कियाँ मिला के कितने स्टूडेंट हैं, 150 है। फिर कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज एक्स, इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं, एक्स हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम एक्स परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि गर्ल्स कितनी हो जाती हैं, एक्स परसेंट हो जाती हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का एक्स परसेंट जो होगा वो मतलब कि गर्ल्स हैं कहाँ पे, स्कूल में। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पे कितने होंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे बॉयज़ को लिख लिया हमने बी से, गर्ल्स को लिख लिया जी से, तो ये दोनों मिला के हैं 150। ठीक है, और बी कह रहा है कि अगर एक्स हैं और गर्ल्स के लिए उसने क्या कहा कि एक्स परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि जितने स्टूडेंट हैं स्कूल में उस, मतलब 150 का एक्स परसेंट, कितने स्टूडेंट हैं टोटल 150 का एक्स परसेंट, तो एक्स परसेंट यानी कि एक्स अपॉन 100, एक्स परसेंट यानी कि एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 150 इक्वल टू ये 150 हो गया, ये 3 टाइम्स 5 थ्री ज़ा 5 टू ज़ा, तो मतलब कि एक्स प्लस 3 बाई 2 एक्स आया, तो एक्स प्लस 3 बाई 2 एक्स एलसीएम लेने के बाद जब सॉल्व करोगे तो ये 2x प्लस 3x है, क्योंकि एलसीएम तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा ना, ये 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 150, तो ये 5 से कटा ये 30 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 30 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 60। ठीक, अब x 60 आया तो नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पे कितने हैं, x है और x की वैल्यू 60 आई, दैट मीन्स ये 60 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो मतलब कि एक और भी चीज़ है, प्रैक्टिस एक समय तक आपकी इतनी हो जाएगी कि क्वेश्चन को देख के ही उसमें फटाक से समझ लोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन में ये दिया गया है, तो देखना अपने आप हाथ चलेंगे, और ये जो इतना सॉल्यूशन है ना, ये भी आपका बहुत एक लिमिटेड टाइम में हो जाएगा। लिमिटेड टाइम मतलब कि ये नहीं कि एक डेढ़ मिनट,
एक मिनट से भी कम समय में कर लोगे और कहो कि 30 सेकंड से भी कम में कर लोगे। ठीक, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के लेवल का। ठीक है, तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक टीम है वो 40 गेम खेलती है किसी सीज़न में। ठीक है, कोई टीम है उसने 40 गेम खेले और इसमें क्या कहा है कि वो टीम 40 में से 24 गेम में जीती है। ठीक, वो टीम 40 गेम खेलती है और जिसमें से 24 गेम वो जीत गई है। तो व्हाट परसेंट ऑफ प्लेड गेम्स डिड द टीम विन। तो ये जितने गेम वो जीती है तो ये परसेंट में कितना है। ठीक है, अब परसेंट में निकालना है ना, तो देखो ये 40 गेम है, जी को हम गेम लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब कि ये अपने आप में क्या है, 100% की वैल्यू। ठीक है, तो इसका जस्ट अगर हम आधा करें, ठीक, या एक तरीका चलो ये समझ लो कि मतलब कि अगर एक गेम का 100/40, ठीक, और 24 गेम का निकालना है तो ये कर दो कि 100/40 मल्टीप्लाई 24, तो जो भी आंसर आएगा तो ये 24 गेम मतलब कि जितने गेम उसने जीते हैं वो परसेंटेज में कितना है, तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये ख़त्म, 4 6 देखो 60 आ गया। तो मतलब कि 60% क्या है आंसर, जितने गेम उसने जीते हैं तो परसेंटेज में वो जीते हुए गेम्स उसके कितने हैं, 60%। ठीक, अब यहाँ पे अगर ये यही क्वेश्चन में इस विन की जगह अगर लिख देता लूज, यानी कि लॉस्ट लिख देता, लूज लिख देता या कुछ भी लिख देता, यानी कि अब वो टीम कितने गेम हारी है। ठीक है, दे रहा है कि 40 खेले हैं 24 जीते हैं, तो कितने गेम वो हारी है उसका परसेंटेज निकालो। तो 40 में 24 गए तो 16 वो हारी है, 16 लॉस्ट है, 16 मैच मतलब वो हार गई थी। ठीक है, तो 16/40 × 100, यानी कि 40 गेम 100% होगा, एक गेम का 100/40, तो 16 गेम का यहाँ पे कितना निकल आएगा, 16/40 × 100, तो ये ख़त्म, ये 4 times, मतलब कि अब आ जाएगा 40%, मतलब कि 40% गेम वो हारी है, ये हम सीधे निकाल लेंगे, फिर हम 24% जीतने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 24% जीतने से निकालना चाहते हो तो फिर इससे 100 से माइनस कर देना, ये भी आ जाएगा। ठीक, तो चलो दोस्तों अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि इफ़ एक्स इज लेस देन वाई बाई 25%। कह रहा है कि एक्स अगर वाई से 25% कम है, एक्स अगर वाई से 25% कम है, देन बाई हाउ मच परसेंट वाई एक्सीड्स एक्स। तो वाई एक्स से कितना परसेंट ज़्यादा है। ठीक, ये क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से बताता हूँ, एक तो बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है और एक जो टाइम को कंज्यूम करने वाला, मतलब टाइम सेव वाला मेथड, जिसको हम फ्रैक्शन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले बेसिक मेथड से समझते हैं। ठीक है, कह रहा है कि x इज लेस देन y बाय 25%, x y से 25% कम है। तो जैसे कि बेसिक मेथड जो आप क्लास 7th या 8th में जिन्होंने भी परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा, और ऑब्वियसली सबने ही पढ़ा होगा, तो वो क्या करते होंगे, वहाँ पे ये सिखाया होगा, जैसे कि मान लो अगर हम y की वैल्यू को कुछ a मान लें, x इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में x ऑलरेडी है, तो y अगर a है तो x कह रहा है कि y से 25% कम है, यानी कि a से 25% ऑफ a कर देंगे, है ना, 25% ऑफ a निकालेंगे और उसको a से माइनस कर देंगे, तो वो जाके x आ जाएगा। तो ये मतलब हुआ a माइनस 25/100 इंटू a, तो ये 100 माइनस 25, तो ये 75/100 a आ गया LCM लेने के बाद, और इसको 2 से वो 25 से काट सकते हो, तो 25 3 जा और 25 4 जा, मतलब कि अगर y इक्वल टू a है तो x कितना आ गया, 3/4 a। तो अब पूछ रहा है कि y x से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो y x से कितना ज़्यादा है, मतलब कि हमसे पूछ रहा है वो y, पहले y माइनस x निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि y x से कितना ज़्यादा है। तो ये a माइनस 3/4 a है,
तो 4 LCM आएगा, तो ये 4A-3A हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A/4, यानी कि y-x की वैल्यू आई A/4। तो इसको परसेंटेज में निकालना है, तो कितना ज़्यादा है, A/4 ज़्यादा है yx से, ठीक है, और किससे ज़्यादा है, x वाले से ज़्यादा है ना, तो x वाले की वैल्यू आई 3/4A इंटू 100 कर दो, तो ये देखो ये 4 से 4 चला जाएगा ख़त्म, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/3 इंटू 100, और 100/3, 1/3 इंटू 100 का परसेंट क्या होता है, होता है 33 कंप्लीट 1/3, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया एक बेसिक तरीके से सॉल्व करने का, कि इसमें जिसमें टाइम थोड़ा सा आपका स्पीड से जो करेगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट तो टाइम वो तब भी ले ही जाएगा, 45 सेकंड से 1 मिनट तो ले जाएगा। अब आता है कि फ्रैक्शन, इस परसेंट का फ्रैक्शन यूज़ करके इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया बेसिक वाला। अब देखो वो फ्रैक्शन वाला मेथड कैसे होगा, आंसर देखना यही आएगा, आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये कह रहा है 25% दिया है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, ठीक है, 1/4। अब ये जो नीचे चीज़ लिखी हुई है ना, ये अपने आप में एक कंप्लीट परसेंट है, कंप्लीट मतलब कि कंप्लीट 100% है, ठीक है। जैसे कि अगर इसको देखो तो 25/100 है ना, ये परसेंट में मतलब कि 100 में से कितना पार्ट लिया गया है, 25 पार्ट लिया गया है, मतलब कि ये कोई चीज़ है, अगर 1, 2, 3, 4 पीस हैं इसके, 4 इक्वल पीस हैं, मतलब ये पूरी अपने आप में 100% है, और ये जो एक हमने शेड कर दी, ठीक है, तो ये इस 100% की 25% है, मतलब 25 पार्ट है 100 पार्ट्स का, ठीक है, अगर ये अपने आप में पूरी 100 है तो ये इतना हो गया 25, ठीक। तो ये जो 4 लिखा है 1/4 में, जो डिनोमिनेटर में 4 है, ये मतलब 4 अपने आप में क्या है, पूरा कंप्लीट 100% है। तो मतलब कि जैसे ये y लिखा है, ये x है, ठीक है, अगर हम 4 इसको दे दें, कि मतलब कि y की वैल्यू अगर 4 है, तो कह रहा है कि x जो है इससे 25% कम है, यानी कि जो ऊपर वैल्यू है ये उसी का पार्ट है, तो 4 में से 1 गया, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक। देखो परसेंटेज में आ भी जाएगा, ये 1/4, ये इससे कितना कम है, 1, इससे निकालना है तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 25%, देखो वही चीज़ आ रही है, मतलब डिनोमिनेटर वालों को कंप्लीट मान लो, फिर जो अगर कह रहा है कम है तो उससे उतना माइनस कर दो, तो वो इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है, ये जल्दी सॉल्व करने का तरीका है। अब कह रहा है कि वाई एक्स से कितना ज़्यादा है, तो देखो यहाँ पर वाई 4 है, एक्स 3 है, मतलब वाई एक्स से 1 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, एक्स से, तो 1/3 इंटू 100, ये लो आ गया 33, 1/3%, कितना जल्दी से आ गया, है ना। तो इसलिए वो फ्रैक्शन वैल्यूज सीखी थी, कि अगर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यूज़ यहाँ पे आती है तो आप उसको जल्दी से यूज़ करके फ्रैक्शन में इस तरह सॉल्व कर सको। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, हमने इसको कैसे किया, हमने जस्ट 25% को देखो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 4 जो भी डिनोमिनेटर में वो अपने आप में कंप्लीट है, मतलब कि उसका एक पार्ट है। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि वाई एक्स जो है वाई से 25% कम है ना, मतलब वाई अगर पूरा का पूरा 4 है तो एक्स उससे 25% कम, मतलब कि 25% एक पार्ट है, तो एक पार्ट कम है, मतलब कि 4 में से बन गया 3, ठीक, तो ये एक्स हो गया। अब वाई एक्स से कितना ज़्यादा है, तो वाई एक्स से यहाँ पे देखो 1 ज़्यादा है एक्स से, तो 1/3 इंटू 100, 33 कम्प्लीट 1/3% हो गया, ठीक। तो दोस्तों देखो अगला वाला क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12/1/2% एंड 25% मोर देन अ थर्ड नंबर, मतलब कोई दो नंबर हैं, ठीक है, एक नंबर जो है इस क्वेश्चन में टोटल 3 नंबर है, ऐसे समझो टोटल 3 नंबर हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि एक नंबर है वो तीसरे नंबर से 12/1/2% मतलब कि 12.5% ज़्यादा है, और जो एक नंबर और है जिसको हम दूसरा नंबर कह लेते हैं, ठीक है, वो तीसरे वाले नंबर से 25% ज़्यादा है, ठीक। तो हमें निकालना क्या है इसमें, कि जो पहला नंबर है वो सेकंड नंबर दूसरे वाले नंबर का कितना परसेंट है, ठीक है। अब वही आपके पास या तो बेसिक मेथड से इसको लेके जाओ,
टाइम लगेगा, या तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वही फ्रैक्शन वाला मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं रेशियो की एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जैसे कि अगर तीन नंबर के बीच में रेशियो दिया गया है ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो अगर कोई तीन है ए बी और सी, ठीक, तो ए और बी के बीच में रेशियो जैसे मान लो दिया गया है 2:3, और बी और सी के बीच में दिया गया है जैसे कि मान लो ये है 5:7, कुछ भी ले लो 7 ले लो, ठीक है। तो अभी मैंने ये अलग अलग लिया है। देखो एक चीज़ और, अगर मान लो ए रेशियो बी 1:4 होता और बी रेशियो सी 4:7 होता, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बी की वैल्यू और यहाँ के बी की वैल्यू ये 4 और 4 सेम है, तो हम ए रेशियो बी रेशियो सी को सीधे लिख देते 1:4:7, ठीक। अब यहाँ पे देखो जैसे कि ये बी आ रहा है और बी आ रहा है और ये बी दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अगर इन दोनों को सेम करना है तो फिर ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 5 3 ये 15 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये 3 5 15 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा और ये सेम हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ 5 का अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 10:15 और ये हो जाएगा 15:21, तो ए बी सी का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10:15:21। अगर ये तीन नंबर किसी के कॉमन फैक्टर्स हैं या मल्टीपल्स कह लो तो इनको उस 3 से डिवाइड कर दो, अगर ये किसी नंबर के कॉमन मल्टीपल हैं तो उसको नंबर से इनको कट करके और छोटा कर लो, ठीक है। एक तो ये मल्टीप्लाई वाला तरीका हो गया। एक तरीका ऐसे भी हो सकता है, कैसे, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए रेशियो बी था 2:3 और बी रेशियो सी है 5:7, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने का तरीका है 2 का इससे मल्टीप्लाई करो 10 आ गया, 3 का इससे मल्टीप्लाई करो 15 आ गया, और फिर 3 का 7 से मल्टीप्लाई करो 21 आ गया। एक ये तरीका है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये, फिर इन दोनों का वाले का क्रॉस वाला, फिर इन दोनों का ये, तो इस तरह मल्टीप्लाई करने से भी बच जाओगे और ये सीधे सीधे ये सामने आ जाएगा। फिर अगर किसी के कॉमन मल्टीपल बनना है तो उससे काट दो, ठीक। ये इसलिए समझाया क्योंकि इस चीज़ का इसमें यूज़ होना है। देखो अब कैसे, अब जैसे इसमें कह रहा है कि एक नंबर है जो कि तीसरे वाले नंबर से 12.5% ज़्यादा है और दूसरा नंबर है जो कि तीसरे नंबर से 25% ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने जैसे तीन नंबर ले लिए कि एक फर्स्ट है, एक सेकंड है और एक थर्ड है, ये तीन नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो अब वो कह रहा है ना कि सबसे पहले उसने दिया है 12.5%, तो देखो ये 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 होती है, यानी कि वो कह रहा है कि एक नंबर तीसरे नंबर से 12.5 ज़्यादा है। अगर हम ये फर्स्ट लिखते हैं, ये थर्ड लिखते हैं, यानी कि तीसरे वाले से 12.5 ज़्यादा है। अगर हम तीसरे को मान लें कि ये पूरा 8 है, तीसरे को मान लें कि ये पूरा 8 है, तो जो पहला वाला है तीसरे वाले से 8 ज़्यादा है ना, मतलब कि एक पार्ट ज़्यादा है, तो पहला वाला 8+1 यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक, 9 हो गया। अब कह रहे हैं कि दूसरा परसेंट 25% ज़्यादा है, दूसरा वाला नंबर 25% ज़्यादा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, यानी कि अगर हम यहाँ पे सेकंड लिखें और यहाँ थर्ड लिखें, अगर तीसरा नंबर ये पूरा कंप्लीट 4 है तो दूसरा नंबर तीसरे से 25% ज़्यादा है, यानी कि एक पार्ट ज़्यादा है, तो ये 4 और 1 हो गया 5, मतलब कि पहले और तीसरे के बीच में एक रेशियो आ गया 9 और 8 का, और इसके बीच में ये रेशियो आ गया 5:4 का। अब हमें रेशियो बैलेंस करने हैं, ठीक है, तो रेशियो बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे थर्ड है 8, यहाँ पे थर्ड है 4, अगर हम इसको 8 बना दें तो मतलब कि ये तीनों आपस में रेशियो फॉर्मेट में आ जाएंगे, तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10:8, ठीक। यानी कि देखो फर्स्ट और थर्ड कितना लिखा है,
9:8, और थर्ड और सेकंड कितना लिखा है, ये सेकंड थर्ड लिखा है ना, इसको अभी हटा देते हैं, जैसे करता बताया वैसे करते हैं। थर्ड और सेकंड का क्या ले लेंगे, 4:5। तो देखो फर्स्ट थर्ड सेकंड, ये कितना आ जाएगा, 9 4 36, 8 4 32, और 8 5 40। अब ये तीनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना, तो ये आ जाएगा मतलब 9 8 10। तो ये मतलब रेशियो फॉर्मेट में आ गए, मतलब कि फर्स्ट थर्ड और सेकंड तीनों का रेशियो 9:8:10 है। अब हमको इसमें क्या कर लेना है, अब हमें केवल एक चीज़ और करनी है कि अब हमें फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज, फर्स्ट नंबर सेकंड का कितना परसेंटेज होगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा ये देखो इन टर्म्स ऑफ रेशियो अगर देख लें तो ये 9 है, ये 10 है, तो ये एक्चुअली नंबर नहीं है, ये एक्चुअली रेशियो फॉर्मेट में है, मतलब ये कुछ 9x होगा, ये कुछ 10x होगा, ये कुछ 8x होगा, ठीक है। तो ये 9/10 मल्टीप्लाई कर दो 100, तो ये ख़त्म, ये आ गया 90। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंटेज है, 90% है, ठीक। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू का देखो यूज़ करके हम क्वेश्चन को कितनी ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 1/8 था पहला तीसरे से, 12.5 ज़्यादा था, मतलब कि अगर तीसरा 8 है तो पहला हो जाएगा 8+1 9। दूसरा तीसरे से 25% ज़्यादा है, मतलब कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा, 4+1 5। फिर इसको हमने रेशियो से सिस्टमेटिक तौर पे 1:3:2 में ले आए, तो फर्स्ट हो गया ये 9x, सेकंड हो गया ये 10x। फिर इसको सॉल्व किया और ये फर्स्ट सेकंड का कितना परसेंट आ गया, 90, और ये क्या हो गया आंसर, ठीक। तो आज हमने ये लेक्चर थर्ड में ये 10 क्वेश्चंस किए हैं। अब जैसे लेवल थोड़ा सा बढ़ा ना, अब इसी तरीके से और थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे परसेंटेज के लेवल को, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जिसने पढ़ा होगा तो उसको पता है वोट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फिर फिगर्स भी आ जाते हैं कि लेंथ बढ़ा दी गई और ब्रेथ बढ़ा दी गई तो एरिया इतना बढ़ गया, है ना, ये सब चीज़ें, एरिया कितना बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ें वाले क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसको इतने परसेंट वोट मिले, इतने परसेंट इनवैलिड हैं तो उसमें निकालना पड़ता है, तो इस तरह के टाइप टाइप के क्वेश्चन हम धीरे धीरे इसमें लाते जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।